तो जब भी हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने जाते हैं, परचेस करने जाते हैं, तो अगर हम एजेंट के पास जाते, बहुत बार ऐसा होता है कि एजेंट भी क्या करता है कि एजेंट को जिस पॉलिसी से ज़्यादा कमीशन मिलता है वही वाले प्लान हमें वो सजेस्ट करता है। और अगर हम इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो हमें बहुत सारी वेबसाइट मिलती है, जैसे कि पॉलिसी बाजार, और कई सारी वेबसाइट भी मिलती है कि वहाँ पर जाके हम ये हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान कंपेयर कर देते हैं। लेकिन उस वेबसाइट पर भी हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान का सीएसआर रेशियो या क्लेम सेटलमेंट रेशियो के हिसाब से ही हमें पॉलिसीज कंपेयर करके दिखाई जाती। और अक्सर 99% लोग हेल्थ पॉलिसी खरीदते समय सीएसआर रेशियो के आधार पर ही पॉलिसीज खरीदते हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं कि जो पॉलिसी खरीदते समय क्लेम सेटलमेंट रेशियो से पहले हमने देखनी चाहिए, कि जिससे हमारा प्रीमियम भी कम हो सकता है और हमारा आगे चल के फायदा भी हो सकता है और बेस्ट से बेस्ट हमें इंश्योरेंस पॉलिसी का प्लान भी मिल सकता है। तो बने रहे वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीराम, आप देख रहे हैं फाइनेंस हेल्पलाइन चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं यह। दोस्तों, हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान चुनते समय या कंपेयर करते समय हर बार हम सीएसआर रेशियो के आधार पर ही कंपेयर करते हैं। तो पहले जान लेते हैं ये सीएसआर रेशियो क्या होता है। तो दोस्तों, सीएसआर रेशियो यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो होता है, हर कंपनी का परसेंटेज के हिसाब से आता है। किसी कंपनी का वो 90% रह सकता है, किस कंपनी का 80%, तो किस कंपनी का 95% तक भी होता है। ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो जितना ज्यादा उतनी कंपनी अच्छी रही। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी क्या? तो दोस्तों, अगर एक कंपनी है, उसके पास एक साल के अंदर 100 क्लेम अगर आए, तो उसमें से अगर उस कंपनी ने 90 क्लेम्स अगर सेटलमेंट कर दिए, तो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बन जाता है 90%। और किसी दूसरी कंपनी ने 100 में से 95 अगर क्लेम सेटल कर दिए, तो उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो बन जाता है 95%। तो सीधे सीधे बताने जाए तो कितने क्लेम्स कंपनी के पास आई और कितने उन्होंने पास कर दी, तो इस चीज को दिखाता है सीएसआर रेशियो। लेकिन दोस्तों, सीएसआर रेशियो से हमें पता चलता है कि इस कंपनी के पास आए हुए क्लेम में से सपोज करके चलो 90% क्लेम्स वो सेटल कर देती है। लेकिन हमें एक बात इससे नहीं समझती कि जो 90% लोगों का क्लेम कंपनी ने सेटल किया है, तो उन्होंने उन 90% लोगों को कितनी कितनी अमाउंट दी है। सपोज किसी कस्टमर ने 50,000 की क्लेम डाली है, लेकिन कंपनी ने 10,000 का ही अमाउंट कस्टमर को दे दिया, और कंपनी तो लिख लेगी कि हमारा तो क्लेम सेटलमेंट हो गया, लेकिन कस्टमर के हिसाब से वो अमाउंट उसको पूरी नहीं पड़ी। तो हम कैसे जाने कि कोई कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्लेम का अमाउंट दे रही है या नहीं? तो दोस्तों, उसी के लिए है दूसरा रेशू, जो कि बहुत एजेंट के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा छुपाया जाता है, जो कि जिसके बारे में 99% लोगों को पता नहीं। तो वो रेशू रहता है आईसीआर। आईसीआर माने इनकर्ड क्लेम रेशू। तो दोस्तों, ये रेशू हमें बताता है कि एक साल के अंदर कंपनी के पास प्रीमियम के द्वारा कितना पैसा आया और उसमें से कंपनी ने क्लेम सेटलमेंट करते समय एक साल के अंदर कितना पैसा कस्टमर को दिया। तो ये रेशू बताता है इनकर्ड क्लेम रेशू। तो ये जो रेशू है, अगर ये 100% से ज्यादा, उस हालत में कंपनी क्या करती है कि जितना प्रीमियम उनके पास आ रहा है उससे ज्यादा पैसा कंपनी कस्टमर को दे रही है। लेकिन आईसीआर अगर 100 से कम है, सपोज करके चलो 50% है, इससे यह समझ में आता है कि कंपनी के पास अगर प्रीमियम के द्वारा 100 रुपए अगर आ गए हैं, तो उसमें से कंपनी 50 रुपए खाली क्लेम सेटलमेंट के लिए दे रही है और 50 रुपए अपने जेब में डाल रही है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी का आईसीआर रेशू 75 से लेकर 99% तक होना चाहिए। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि मैंने बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट यहां पर निकाली है, और उस लिस्ट में आप कंपनी का नाम, उनका आईसीआर रेशू भी आप देख सकते हैं। तो हमें अगर अच्छी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए चुननी है, तो हमें सीएसआर रेशू के साथ साथ आईसीआर रेशू भी देखना है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्लेम तो सेटल अगर कंपनी कर रही है, लेकिन आपको जितना अमाउंट आपने क्लेम किया है उतना अगर नहीं दे रही, तो हमें वो क्लेम सेटलमेंट किसी भी काम का नहीं। तो दोस्तों, जरूर आपको सीएसआर के साथ साथ आईसीआर का भी ध्यान रखना। तो दोस्तों, हमें ऐसी कंपनी चुननी चाहिए जिसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 90 से आगे है और जिसका आईसीआर रेशियो 90 के आगे है। तो ये दोनों रेशियोज को मिला के हमको किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का प्लान चुन। दोस्तों, ये थी हमारी इंश्योरेंस के रिलेटेड पहली वीडियो। अगले वीडियो में जानेंगे ऐसा भी एक रेशियो है कि जो कंपनी के टाइम स्पीड के बारे में बताता है, कि कोई कंपनी कितने कम समय में हमें क्लेम सेटलमेंट करके दे रही है, तो उसके लिए भी एक रेशियो रहता है, और वो भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हमें नहीं दिखाते। ऐसी ही हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे फाइनेंस हेल्पलाइन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और
चैनल को विजिट करके अदर वीडियोज भी देख